हाय प्रीति। ओके, तो कितने सच्चे अच्छे लोग तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। बोलने के लिए जबान दी है ऊपर वाले ने, तो बोलते ही रहेंगे। देख बंदर, आज मेरा वीडियो चालू किया ना, जो दिखाया है वीडियो उसके बारे में बात बोलती हूँ। ये जो आरिफ था ना, ड्रग पेटलर, उसको मैंने बोला ड्रग इधर यूज करते हैं। इसने मेरे को जब पूछा तो मैंने हाँ बोला, तो उसने बोला नहीं आप नहीं कर सकते। मतलब कैसा बोलूँ आपको, कि कुछ ऐसा करने की एक्टिंग करके उसको मैं वो वीडियो भेजी थी, क्योंकि ये ड्रग पेटलर उधर से ड्रग्स भेजे जब ही ना, ये इधर बेचने करवाया उसके हाथ से। तो देखो वही तो, इसी इसलिए उसके पास वो वीडियो है। तो आप सोच सकते हो कि वो वीडियो कहाँ से मिला इनको। मैंने खुद भेजा था ये वीडियो, क्योंकि इसने इसको एक सबूत चाहिए कि मैं यूज करती हूं। तो वो सूंघने का वही था, इसको तो उतना भी पता नहीं चलता कि क्या है बोल के। तो ये पूछा था, इसलिए मैंने ये भेजने के बाद ही ड्रग्स मेरे को मुंबई से बैंगलोर को एक लड़की के थ्रू भेजा गया था। ये तीन है ना, तीन के ऊपर FIR ऐसे ही नहीं हुई है क्या? ऐसे ही FIR नहीं हुई है? ये है ना बंदर और बांडली और ये आरिफ, आरिफ का नाम तो खुला लेके, नाम लेके बोलती हूँ, उसके ऊपर ऐसे ही नहीं किया है FIR। इसने इधर भेजा, इसकी लड़की को इधर अटकाने के बाद ही इसने फिर वही वीडियो रख के मेरे पास 5 लाख तक डिमांड करता है, और उसके बाद ये वीडियो रख के सोशल मीडिया पे छोड़ता है। अगर मैं ये चीज़ करती हूँ तो इधर बैंगलोर का भी हर एक आदमी मेरा वीडियो देखता है, समझ गया, और जानता भी है कि कौन करते हैं या कौन नहीं करते। और ये भी इसका एक और एक था कि ये सुपारी लेता है, सुपारी किलर है। तो मैंने इसको बात की है, ये बोलती है ना 24 घंटे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी बोल के, मैंने इसको बोला बोला बोल के बांडली बोलती है ना। हाँ मैंने बोला था, क्योंकि इसको ड्रग्स की लड़की को अटकाने के बाद मैंने खुद इसको सुपारी का भी मैं ऑफर की थी। ये कितना मेरे को बोला कि आप मेरे को टोकन डाल दीजिए मेरे अकाउंट पे, मैं आ जा, मैं उसको इधर बुला के तो ऐसे अटकाने वाली थी। तो बड़े इससे बोल के है मेरे पास है रिकॉर्डिंग, के सुपारी लेता है और कैसा आता है, क्या करता है, क्या नहीं जाता, सब कुछ। सुपारी किलर आज बैठ के क्यों रहे, तुझे गांड में दम नहीं है लाइवा के? आरिफ आरिफ गांडू, क्यों लाइवा के चेहरा दिखाने की गांड में दम नहीं है? तू तो क्रिमिनल है ना, तू तो क्रिमिनल है, तेरा खानदान क्रिमिनल है, तो क्यों किधर से दिखाएगा? उधर बैठ के सिर्फ उड़ता है, सिर्फ बात करता है तू, है ना? हाँ, तो तूने वीडियो डाला, बंदर वीडियो डाला, अच्छा जिसके साथ वीडियो डाला उसका और मेरा क्या रिलेशन है? ये तेरे को बेटियों की दुआ, क्योंकि उनके पास जेनिफर ने ही उसको पूरा भेजी है कि उसको उसके चैनल पे डालने के लिए, क्योंकि वो सपोर्ट करके बात कर रही है। इसलिए तो आप जाके जरूर देखें कि उसकी माँ का नाम क्या है और उसके बाप का नाम क्या है। और ये सब इतने उड़ रहे हैं ना, और उड़े, देखो मैं बोल रही हूं ना, रिलेशन है, रिलेशन है, मगर माँ बेटी क्या, किसकी बेटी है ना? ये साथ में फोटोज फैमिलीज के या सबके लेने के बाद ये सब बोल रहे हैं, तो अच्छा है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि रिलेशन नहीं है। तो चल बांडली तेरे लिए है, तो तू और वो तेरी एक पागल है ना जो डालती है, उसने पूरे उसके सोशल मीडिया पे उन उसने जो इंस्टाग्राम पे, वो भी ये क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट था उसका, ऐसा नहीं कि पब्लिक अकाउंट था, उसमें से उठा के, मतलब कोई भी इसका जानने वाला या मेरा दुश्मन, यही मेरे साथ में रहने वाला भी हो सकता है, सब मुझे पता है कौन दुश्मन है और मेरे से कौन जलता है और किसने ये सब किया है।
तो चल वो नंगापन नंगेपन से नाचते हैं, ये सब बोलने वाली तू और तेरा तेरा दो जवाई और तेरा धगड़ ये बोलने वाले। तो सुन, वो दो लड़कियां, तीन लड़कियां नाच रहे हैं, तीनों भी क्रिश्चियंस हैं, मुसलमान नहीं है वो, क्योंकि मुसलमान होते तो बात करती कि मुसलमान मेरे ये हैं और ये ऐसा कर रहे हैं बोल के, क्योंकि तेरा एक धगड़ बैठा है ना फॉरिन में, भगोड़ा रोमी, इधर से भगोड़ा भाग के गया है ना मुंबई से, वो भगोड़े को एक बार कंफर्म कर ले फोन करके। क्रिश्चियंस में वो जो पहने हैं ना कपड़े, और जैसे डांस कर रहे होंगे या नहीं तो फोटोस होंगे, जैसे वो है ना वैसे ही चर्च जा सकते हैं, मास अटेंड कर सकते हैं, कम्युनियन ले सकते हैं, तो वो मुसलमान नहीं है तू बोलने के लिए। ठीक है, वो उनकी मर्जी है कि वो कैसे कपड़े पहने, उसकी फैमिली है, उसकी फैमिली का वो ये है कि क्या पहने क्या नहीं पहने, उनके घर में हर सब कुछ जानते भी हैं और देखते भी हैं क्या पहनते हैं क्या नहीं, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है। हो गया, तो चल मुसलमान के बारे में अब बात करती हूँ। तो क्रिश्चियंस का हो गया, कपड़े नंगापन है, नाच रहे हैं नाच रहे हैं नाच रहे हैं, बस हो गया। तो तू मुसलमान है, बांडली 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 तेरे को गांड जलती है मैं बोलने से, तो तू मुसलमान है और तेरा धगड़ मुसलमान है, तो तेरी बेटी मुसलमान है, तुम गए थे अजमेर, अजमेर उतनी पाक जगह जाके एक कपल, इसका ये कहना है कि एक कपल मतलब शादीशुदा, नया शादीशुदा जोड़ा जो इसकी बेटी को चार दीवारी के अंदर नंगा किया, तो इसकी सोच और इसकी हैसियत इसमें समझ जा। मेरे ऊपर उंगली, एक उंगली उठाने से मुझे भी पता है चार उंगली हम मुझको दिखती है, तेरी बेटी को तू खुद चार दीवारी के अंदर नंगा करके उनके ऊपर केस डाल के 5 लाख रुपया तू उनके पास लेके सोशल मीडिया पे डाल के भी तेरी बेटी को तू खुद नंगी की है। कहीं भी ये सुना दे कि मैं ये बात नहीं बोलने वाली थी, ना तो तेरी बेटी के बारे में निकालने वाली थी, जब तू ये सब इतना सब बोल रही है तो मैं भी बोलना जरूरी है, तो तभी मैं तेरी बेटी के ऊपर बोली। तो अब कौन भाई, कौन सच्चा कौन झूठा, मुसलमान क्रिश्चियंस और वो नाच रहे हैं, वो ड्रग्स ले रहे हैं, वो पी रहे हैं, ये सब बोलने वाले तुम पूरे के पूरी मिली भगत, तुम लोग इतने गिरे हुए हो क्या, तुम लोग उधर खुद की बेटी को चार दीवार के अंदर नंगा करके पैसे कमाने वाले, तुम इधर बैठ के दूसरों के ऊपर बोल रहे हो। चल मेरा रिलेशन है मैं बोल रही हूँ ना, है माँ बेटी का है, ये झूठ है क्योंकि वो तो साबित हो जाएगा है ना। और जितना भी तू जितने भी फोटो डाल ले सब डाल ले, उसकी बहुत बड़ी हकीकत है जो मैं तो दिखाऊंगी और सुनाऊंगी भी। क्या, तो देख वो तो है भड़वा, वो सुअर, आरिफ सुअर से भी गया गुजरा है, जो सिर्फ कसम खाता है दूसरों के पास खाके, इधर किधर भी उसको कुछ मिल जाएगा तो बस है। क्या रे आरिफ, इतना गिरेगा तू, अच्छा है कितना हो सके उतना नीचे गिर, तेरी हैसियत है, क्रिमिनल ड्रग्स बेचने वाले पूरे उधर बैठ के उड़ रहे हैं, ओ मेरा वीडियो, क्यों मेरे वीडियो से व्यूज मिल रहे हैं इसलिए डाल डाल के व्यूज कमा रहा है ना, कमा ले, मुझे नहीं चाहिए, मैं अभी भी बोलती हूँ मुझे व्यूज की जरूरत पहले से भी नहीं है, 4 साल से मैं एक बोलती आती रहती हूँ, मुझे जो भी है ना मेरे जेन्यून है, तुम्हारे जैसे फेक नहीं है। और यह बैठा है ना तेरा रोमी, तेरा वो आरिफ, ये सब क्या करते हैं, ये भी मुझे खुद बोले थे कि व्यूज बढ़ाने के लिए इतने पैसे वो पैसे, मेरे बोले मेरे जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है पैसे देके व्यूज बढ़ाने की, यानी तो मेरे को कोई ये करने की, मैं खुद बोल के हूँ, तो समझ जा कि मैं किसी के व्यूज के लिए या इसके लिए ऐसा बैठ के बोलती नहीं हूँ।
अब तेरी औकात दिखाने का है इसीलिए बैठ के बता रही हूँ। तू कितना भी बोल ले कि बोल रही है ना कल के क्या ये मेरे पीछे पड़ के व्यूज खा रही है, वो खा रही है, ये खा रही है, तू भीख खाने वाली। तुझे मेरी जरूरत है इसलिए मेरे या मेरे कनेक्टेड जो है उनका वीडियो डाल के व्यूज तू खा रही है, और वो है ना कुतिया वो खा रही है, समझी। दूसरों का डाल के तो देख, देखेंगे नहीं ना, क्योंकि हिम्मत भी नहीं होगी डालने के लिए, बोलने के लिए बैठ जाती है अपने आप। अब वो क्या, वो बुढ़ा, वो तो तेरा बड़ा जवाई, वो तो तेरा छोटा जवाई, बहन बहन बोल के ही सब काम खत्म कर देता है दोनों। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सबका। अब तो देख, मैं तुमको पहले से भी एक ही बात बोलती थी कि ये जो आरिफ है अभी, यानी तो आप लोग भूल गए होंगे, तो फिर उसका मैं वो ये डाल देती हूँ कि कितने कितने में ड्रग्स बेचता है, भेजता है। ये तो एक तो गांजा बेचता बेचता वो बंदर यहां तक आ गया। और इन लोग का देखे सोशल मीडिया पे चलता है, सोशल नहीं, कितने चैनल के इस पे चल, न्यूज चैनल पे चलने वाले ये लोग, मादर चोद लोग, जो दूसरों को जज करने बढ़ गए कि ये है वो है ये है वो है, तो सिर्फ झूठ की बुनियाद पे खड़े हो, नीचे तो गिरोगे। और किसको बदवा दे रही है तू, मुझे ये भी बोल के है कि मुझे क्या नसीब नहीं होगा। माशाल्लाह, माशाल्लाह नहीं, बहुत ज्यादा बोलती हूँ माशाल्लाह, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, समझी। इसीलिए मैं तुझे बोलती हूँ जनवरी तक रुक जा, तुझे पब्लिक को पूरी सोशल मीडिया को गुड न्यूज़ है। देख भाई, तुझे और तेरे पूरे खानदान को बोलती हूँ, सुन। एक तो सास को नहीं देख सकती, समझी, सास को तक नहीं देख सकती तू। एक शॉपिंग शॉपिंग करके जाती है ना, शॉपिंग करके एक चीज लेके आती नहीं है सास को, उनको खाने का तक सूझती नहीं है सास उधर रख के। इससे बड़ा और तुझे क्या चाहिए, सब नसीब का बात है, सब नसीब वालों को सब मिलता है, और नसीब वाले ही ऐसे सब खुश रह सकते हैं, तेरे जैसे बदनसीब नहीं, समझी। क्योंकि उधर रख के भी तू उनको देख नहीं सकती, तू सोशल मीडिया चाहिए तुझे, सिर्फ सोशल मीडिया पे दिखाना, सोशल मीडिया पे नाचना आता है, नंगा नाच जो नाचती है ना तू, नंगा नाच नाचती है। दूसरों को मत बोल, दूसरों को बोलने की हैसियत तक नहीं है तुझे, बैठ जा। किसी का भी देखो इसको, पूरे चैनल पे जाके नीचे से लेके ऊपर तक आ जाओ, किस किस के बारे में खोदी है, किस किस के बारे में क्या क्या बात करती है तो पहले ही दोनों फेक। क्या है कि इन लोग का जो अभी चल रहा है ना, इनकी तीनों की मिली भगत, कि एक औरत को कैसा नंगा करे और एक औरत को किस तरह से बात करे, तो ये बोलने के बाद औरत कोई भी एक लेडीज आके इनके बारे में कुछ बोलना चाहे तो ये उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे, तो डर के कोई आके बैठ के बोलेगा नहीं। मैं तो बोलूंगी, और कितना मेरी पूरी इज्जत पूरी जो भी है ना सोशल मीडिया पर डाल 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 डालते ही रहो, क्योंकि मुझे भी पता है लीगल क्या है, वही दिखा सकते हो, दिखाने की जरूरत है तुम जैसे को, मैं क्या भी दिखा। सच में मतलब तुम बोलने का भी नहीं था, मगर जो है ना उधर से आके अभी पड़ा ना उसके ऊपर, वो महामीर के ऊपर पड़ा, फिर पड़ा कोटका उसको। मैंने कंप्लेंट नहीं की, मैंने तो पहले इसको कंप्लेंट देकर उसके ऊपर एफआईआर हुई है, अभी ये एक पड़ा। अभी वेट कर ले, आराम से बैठ वेट कर। और दूसरों को वो गुटखा भी दूसरों को बोलने से पहले, उसकी भी बेटी है अभी, वो क्या करेगी। देख, मैं पहले बदवा दी थी, अभी तू बैठ के बदवा दे रही है कल, वो भी सर पे ओढ़ के अल्लाह रसूल की बात करती है। अल्लाह रसूल की बात करने वाली ऐसा बैठ के बात नहीं करती, और तेरी खुद की बेटी को 5 लाख को बेचती नहीं नंगा करके, समझी, चार दीवारी के अंदर नंगा करके 5 लाख लेने वाले मादर छोद माँ बाप मुझे बोलते हो मेरे बेटियों के बारे में, या मेरे बेटियां हैं, मेरा वो है, मेरा ये है, मैं बोल रही हूँ मेरा रिलेशन है, मैं बोल रही हूँ मेरा रिलेशन है, तो बेटियों का ये जो बोल रहे हो ना उसकी हकीकत दिखाती हूँ। देख वो अभी भी बोलती हूँ, अभी भी बोलती, संभल जा, और कितने हो सके, यानी तो गाली दे, और कितना हो सके, तू नीचे नीचे तुम लोग गिर रहे हो, गिरो उसकी और रोमी की और मादर चौथ की। क्योंकि मैं जब उनका कुछ डालने वाली हूँ, ये बोल बोलते ही शुरू हो गए बकना, बहन को अभी सास बना लिया,
रे? अरे तेरे लिए है, तेरी भी लड़की है। रुक, ऊपर तू जो गरीबुन ख्वाजा गरीबुन नवाज की कसम खाता है और उसकी खाता है, सब साथ में मिलेगा तुझको। मैं किसी की कसम नहीं खाती, कभी भी किसी को भी फोन में बात करके कसमें वादे खाने, सबसे पहले झूठे मादरचोद वही होते हैं जो कसम खाते हैं, सबसे बड़े। और क्या रे बुढ़े, बुढ़े को तो मैं भूल गई। बहुत नाच रहा है, बहुत नाच रहा है रे। चार लड़कियां एक बहू रख के भी तुझे अक्ल नहीं आई। तुझे बोलती हूं देख, वो शीला भाई तुझे ऐसा गांड पे लात मार के ही नहीं भेजी। वो अभी भी इज्जतदारी लगती है क्योंकि तुझे ऐसा छोड़ के है, और थोड़ा ठीक से लगाने का था तुझको, थूक के ऐसा छोड़ी है देख। क्योंकि देख, ना तो घर का ना घाट का कुत्ता, पास जो भी कोई भी दे दे तो चाटता हुआ फिरता रहता है। कौन बोले थे ना चाय की टपरी में बैठने वाला, 420 औरतों को लूटने वाला। सब औरतों को कितना कितना लूटा है, मुझे मुझे मेरे पास है ना, बोलने की जरूरत नहीं है। आधे से ज्यादा तेरी सच्चाई मैंने ही तो लाके इधर रखी थी। नसीब तेरी अच्छी है, इतने में तू अभी भी, तुझे बोलती हूँ देख, तू मरेगा ना बूढ़े, तू मरेगा ना सड़क सड़क पे मरेगा, बेमौत तू सड़क पे मरेगा। क्यों बोल, बद्दुआ है पूरे हर एक बाई को बच्ची की भी। क्यों बोल, हर एक जो भी तेरे पास सोशल मीडिया पे आया, सोशल मीडिया से जो भी बात हुई, जो भी हुआ ना, सबको तू उसके बाद क्या किया, रखेल बना लेता है। बोलता है कि मैं उस वो मेरी रखेल है, ये मेरी बीबी है, ये मेरा रखेल है। कीड़े पड़ के मरेगा तू, वो भी फुटपाथ पे, रोड पे, म्युनिसिपैलिटी वाले लेके जाके तुझको फेंकेंगे कचरे के डब्बे में। तेरी मौत ऐसी होगी। क्यों बोल, ऐसे ही होगी। इतने औरतों को बदनाम करता है बैठ के, तू नंगा करता है सोशल मीडिया पे बैठ के। उनको तू जानता तक नहीं, किसी को देखा तक नहीं, आगे से आके बात भी किया नहीं था, और इधर बैठ के सोशल मीडिया पे नंगा करना ही तो जाता है, नंगापन नाचना। और ये है ना, इनको भी क्या, इनको भी ऐसा ही नहीं, सब इधर घूम फिर के, सर्कल घूम फिर के इधर ही आएगा। जिसको तू बोलती है कल बैठ के कि एक उंगली उठाने से चार उंगली इधर दिखती है, तुझे भी बोलती हूँ, पहले से भी सुन ले, तू भी किस किस को एक एक उंगली उठाई थी, जो तेरे को पूरा मिला के मैं मार रही हूँ इधर बैठ के, बराबर से बजाती हूँ सबकी मिला के तुझे, सब हर चीज में। इन लोग को किसी को गांड में दम नहीं है कोई एक मरदबाने से लड़ सके। सिर्फ औरतों के पीछे पड़ते हैं, औरतों की इज्जत निकालते हैं, औरतों के पीछे पड़ जाते हैं पूरे। क्या आके देखे थे, मेरी पाँव की जूती तक तुमको थूक के बिना देखूं, तुम जैसे हरामजादों को, वो भी तुम जैसे मादरचोदों को, जो बैठ के मेरी इज्जत के साथ इतना खेलते हो, बोलते हो ये करेंगे वो करेंगे। अगर वही बोलती हूँ ना, गांडू लोग ही हैं इसलिए बैठ के उधर बोल रहे हैं, इधर आके तो दिखाते। अगर मरदबा ने होते तो आके सामने खड़ के बात करते। गांडू किधर ही बैठ गए, सोशल मीडिया मिल गया, बैठ गए और बकना शुरू कर दिए। सिर्फ इतना ही आता है, वो तेरी गुटका, उसको भी उसकी सास को देखना नहीं आता, उसकी सास भी रोती है ऐसी एक बहू है बोल के, है मेरे पास रिकॉर्डिंग, बोलती है कि देख वो उसकी खुद की वो तो उसके गोद में रे हिजड़े, तू भी हिजड़ाई है, गुटका का हस्बैंड हिजड़ाई है, माँ तेरी बोलती है तू उसको भी देखता नहीं है, तू चोर है, मोबाइल सब चोरी करता है उसका हस्बैंड, उसके ऊपर कितने केसेस हैं, गुटका का हस्बैंड चोर है, मोबाइल चोर, समझा, चोरी का मोबाइल चुरा के बेचने वाला आ गए दूसरों को बोलने के लिए, इसलिए ना इधर उधर चार चार बर्तन लेके भाग रही है घर घर छोड़ के। क्यों, उधर पुलिस आ गई तो इधर भाग, इधर पुलिस आ गई तो उधर भाग, इसीलिए भाग रही है तू, किधर भी भाग, तू तो जाएगी खड्डे में ही अभी, समझ। अभी देख मैंने बोलने का नहीं है, छोड़ दी हूँ बोल, क्योंकि बोल मैं जब बोलती हूँ तो अभी मंडी नहीं आया, अभी वो नहीं आया बोल के नाचेंगे, इसलिए मैं भी चुप हूं। जब होगा धमाका तो बहुत बड़ा धमाका होगा ना, तब तो सब दुनिया ही देखेगी इसमें क्या है। और नाच, आप सबको बेटियों की दुआ के चैनल पे देखने को मिल रहा है, वो डाले हैं, मैं भी उठा के डाल सकती थी,
उधर जाके आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर और महामेर और वो जो उसके दो चैनल के ऊपर भी उसने वो कंप्लेंट की है, क्योंकि उसको बहुत मस्ती चढ़ी है। पर्सनल जो सोशल मीडिया पे उसका पर्सनल ए था उधर उठा के वो सोशल मीडिया पे डाली है, तो बहुत अच्छा है। नंगापन तू उनको दिखा रही है, चल वो मेरी दोनों लड़कियों की वजह से तुझे व्यूज मिले तो चैट बैठ के देख, आज तक तेरे कहीं भी उतने उसमें वो जो तू डाली है ना उसी में तेरे को व्यूज मिले, चल मजा कर, क्या मजा मस्त कर। और कितने दिन मैं भी देखती हूँ, और झूठ जितना बोल हो सके और बोल, प्रूफ के साथ तो आने से रहे, सिर्फ बोलते हो। अच्छा वीडियो दिखा दिए तो हो गया, जिसके साथ मैं बैठती उठती हूँ उनके साथ तो अगर वीडियो मिल गया, क्यों दूसरे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं तुमको, सिर्फ वही मिल रहे हैं, उनके साथ के वीडियो ही मिल रहे हैं, दूसरे नहीं है मेरे पास, है ना, मैं डालती हूँ जिन जिन के साथ फोटोज वीडियो सब है वो मैं डालती हूँ, अभी नहीं, इसीलिए मैं भी वेट कर रही हूँ, मैं डालूंगी जरूर मेरी जिंदगी का, मेरा हर एक चीज का मैं डालूंगी। जब तक इनका बकवास सुनो, जितना हो सके ये बके बकते ही रहे, ठीक है। तो वो तो भगड़ा एक इधर भागा हुआ है ना, मादर चोद रोमी, उसको तो बख्शूंगी नहीं, उसको और ये आरिफ को तो जल से सरप्राइज के जैसा एक वीडियो ऑडियो पूरा पूरे का पूरा, एक इसका एक बार डालूंगी, एक ये बंदर का गुटका का तो मैं नहीं डालूंगी मेरे चैनल पे, ये उस उनका उनके चैनल पे ही डालाऊंगी, इन दोनों का इधर डालूंगी, उनका बेटियों की दुआ। तो बाय।